बालाघाट जिले के लालबर्रा जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जाम की देवसरे खैरवार ने बिजली करंट से मृत पति की सहायता राशि पाने हेतु नवागत कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा से 14/9/2021 को जन सुनवाई में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई थी। वहीं जानकारी अनुसार मृतक यादव राव खैरवार 14/10/2019 को प्रतिदिन की तरह खेत पर कृषि कार्य कर रहा था। उसी दौरान सुबह के समय उसको बिजली का करंट लग गया, जिसकी मौके स्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं मृतक की पत्नी के द्वारा पूर्व में अनेकों बार अधिकारियों को सहायता राशि पाने की शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन मृतक की पत्नी को अभी तक भू राजस्व परिपत्र के अंतर्गत 4 लाख रुपए की सहायता राशि नहीं मिली है। साथ ही मृतक की पत्नी के द्वारा 2 साल से तहसील जनपद व कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मृतक की पत्नी को न्याय नहीं मिला है। ग्राम प्रधान ने मृतक की पत्नी को तत्काल शासन से सहायता राशि दिलवाने की मांग की है और मृतक की पत्नी को 2 वर्ष पूर्व पंचायत से जो कार्रवाई होती है वह कार्रवाई पूर्ण कर दी गई थी, फिर भी मृतक की पत्नी को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिल सकी है। कहाँ से आए? क्यों आए थे? हमारे पति का मौत हो गया। अच्छा, विद्युत करंट से मौत हो गई थी। कैसे हो गई थी? खेत गए थे पानी चलाने के लिए, खेती में धान का था तो उसमें पानी चलाने गए तो वहीं खत्म हो गया। कब हुई थी? तो 2 साल हो गए। अच्छा, फिर 2 साल के बाद हम आवेदन लगाए, वहाँ पे जन सुनवाई में गए, बचत नहीं, बोले तो आपका पैसा नहीं आया, बोले बचत के हिसाब से पैसा डलेगा, ऐसा बोले। हम 4 बार हो गए यहाँ पे। कौन से योजना के तहत अप्लीकेशन किए थे? अच्छा, जो RBC के तहत मिलती है 4.5 लाख की राशि, उसके लिए आवेदन किए थे। क्या बोल रहे थे अधिकारी लोग? मिल जाएगा बोले? मिल जाएंगे बोले, आप बोले चुपचाप रहो बोले, आपको मिल जाएगा बोले। कब तक मिल जाएगा? वैसे बोल रहे थे 6 महीना तक मिल जाएंगे बोले। आज 2 साल तक नहीं मिला? 2 साल हो गए नहीं मिले। हाँ, यादवराव खैरवार की मृत्यु उनके खेत में काम करने के दौरान करंट लगने से हुई थी, जिसको हमने संज्ञान में लिया था तहसीलदार महोदय के द्वारा और पटवारी महोदय के द्वारा। स्थल पंचनामा भी तैयार हुआ था और उनका जो 4 लाख का बीमा बना है, जो बीमा क्लेम मिलता है, वह आज डेट तक उस के परिजनों को नहीं मिल पाया है। अच्छा, नहीं मिला, ये क्या, कौन सा कारण है नहीं मिला, तो क्या कारण सामने आ रहा है? पंचायत स्तर पर तो उसकी सारी डिटेल्स भेज दी गई थी, यहाँ से जो कार्रवाई बनती है वो हमने दे दी, लेकिन इसके बाद तहसील से जानकारी यह प्राप्त हुई है कि वो महिला 2 साल से कार्यालय के चक्कर लगा रही, लेकिन आज डेट तक उन्हें संतोषप्रद न जवाब मिला है न राशि मिली है। आप प्रशासन से क्या मांग करती? क्या प्रशासन से हमारा अनुरोध यही है कि इतने जो कार्यालय के चक्कर लगा रही है तो उनके अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो उन्हें अवगत कराए, और नहीं तो यथाशीघ्र उनकी राशि उनके खाते में दिलाने की कृपा करें।